हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अंजुना के पास एक ऐसा हॉस्टल दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमेशा पार्टी होती रहती है, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, काफ़ी नीट एंड क्लीन भी है। तो चलिए पूरा टूर देता हूँ आपको कि यह प्रॉपर्टी कैसी है और क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है। वेलकम, आ जाओ हमारे एक्सा हॉस्टल में। ये हमारा पार्टी टाइप हॉस्टल है। यहाँ पे सारे टाइप का क्राउड आता है, लाइक सोलो, कपल्स, फैमिली, अच्छा, सब आता है, बट नो किड्स। अच्छा अच्छा। दिस इज अवर रिसेप्शन प्लस बार काउंटर जो 24 आवर्स ओपन रहता है। दिस इज अवर पूल, ये 4 फीट का है और 24 आवर्स ओपन है, कोई भी कभी भी जा सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस तरफ हमारा 6-bed dorm है विद 2 washroom, वेरी कंफर्टेबल एंड स्पेस बहुत है। और ये कॉमन वॉशरूम, काफी नीट एंड क्लीन है। चलो आइए मैं आपको हमारे एक्सो के प्यारे रूम्स बताती हूँ। ये जो ट्रायंगुलर शेप में है, इसमें 4-bed dorm भी है और प्राइवेट रूम भी है, जो ज़्यादातर ग्रुप्स, जो छोटे ग्रुप्स होते हैं वो प्रीफर करते हैं और कपल्स लोग प्रीफर करते हैं। आइए, यहाँ यहाँ 2 dorm है और इस तरफ dorm है। दिस इज अवर डॉम, ये है हमारा 4-bed dorm, आइए देखिए। ये है हमारा 4-bed dorm विथ लॉकर्स एंड 2 washroom। लॉकर्स कहाँ पे? लॉकर्स नीचे होते हैं, आपको उसका पर्सनल की मिल जाएगा। अच्छा, पर्सनल की, या विथ AC एंड पर्सनल फैन। अच्छा, AC भी है। चार्जिंग पॉइंट है एंड एक्स्ट्रा लाइट भी है, इफ रात को आपको कुछ रीडिंग करना है या कुछ। दिस इज वॉशरूम, इसका प्राइस 1200 पर बेड। और सीजन टू सीजन वेरी भी करता है। हाँ, डिपेंड अपॉन डेज, अभी जैसे कि अभी 1200 है तो मे बी दिसंबर के टाइम में 1500 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। आप ऑनलाइन चेक करते रहना चाहिए और यहाँ पे आके एक बार कॉल पे भी पूछना चाहिए प्राइस के बारे में। वहाँ पे क्या है? लग्जरी रूम। अवर लग्जरी रूम विद बाथटब, इसमें ज़्यादा ही स्पेस है, कपल लोग आते हैं इसमें। अच्छा। और जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं वो एडजस्टमेंट करके रह लेते हैं विद बेड्स बेड्स बेड्स। तो पर्सनल बाथटब है ना इसमें? पर्सनल बाथटब है। इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस होगा 4000। 4000? हाँ, 4000 to 5000। ऑफ सीजन में थोड़ा कम, सीजन में थोड़ा ज़्यादा, ऐसे ऊपर नीचे प्राइस होता रहता है। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है क्या? हाँ, ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। नहीं नहीं, डॉम में ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं होता, प्राइवेट रूम में होता है। और इसमें हम टॉवल, सोप, टूथब्रश सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। म्यूजिक 24 आवर्स ओपन होता है, म्यूजिक की कभी कमी नहीं होगी यहाँ पे। हमारा पूरा सेटअप है शाम के पार्टी के लिए। हाय, गुड मॉर्निंग। ये 2 dorm है, 4-bed dorm है। हाँ, 4-bed dorm और प्राइवेट रूम ऐसा मिक्स है।
और ये हॉस्टल पेट फ्रेंडली है। वी हैव टू डॉग्स, एक्सो एक्सो एंड अप्रिल। अगर आपको आना है आपके पेट्स के साथ आप आ सकते हैं। एंड हमारे पास गेमिंग के लिए भी बहुत कुछ है। हम लोग ये हमारे पास ऊनो है, कार्ड है, पोकर है, प्ले स्टेशन है एंड ये पूल टेबल भी है। सो आपको बोर नहीं होगा। तो ये पार्टी वगैरह क्या सीन है यहाँ पे? यहाँ पे मतलब क्राउड 8-9 बजे पूरा इकट्ठा हो जाता है और फिर पार्टी स्टार्ट करते हैं, तो वो सुबह तक चलती है। सुबह कितने बजे तक चलती है? सुबह 5-6 बजे तक चलती है। बर्थडे पार्टी होता है, सब कुछ होता है। हमारे पास जो प्राइवेट एरिया है तो वहाँ लोग अपना डेकोरेशन करके पार्टी करते हैं। पेन, शैम्पेन सब कुछ रखते हैं, सब अलाउड है यहाँ पे। बस आउटसाइड ड्रिंक अलाउड नहीं है, जो भी है आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे बियर की स्टार्टिंग प्राइस क्या है बता दीजिए? यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस 100 है, बहुत रीजनेबल प्राइस रखा है हमने यहाँ। आपको यहाँ स्टे करने का ये एक बेनिफिट है कि आपको जो गाड़ी जो रेंट करना होता है लाइक स्कूटी, थार, बुलेट, सब कुछ आपको इधर ही मिल जाएगा। क्लबिंग जाने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर डेली क्लबिंग जैसा पार्टी होता है। एंड यहाँ पे ये रेस्टोरेंट भी है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। ऑल इन वन सब कुछ हॉस्टल में अवेलेबल है। 15 मिनट के डिस्टेंस में यहाँ पे अंजुना बीच है, तो लोग ज़्यादातर वहीं उधर ही जाते हैं। और दो बीच यहाँ पे फेमस है जो है मॉर्जिम और अरम्बोल, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्राउड कम होता है और थोड़ा डिसेंट क्राउड होता है। सो यहाँ के लोग वहाँ जाना बहुत प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे मोस्टली ना टेक्नो क्राउड ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे टेक्नो के लिए रेत है, कैफ़े लिलीपुट है, हाउस ऑफ चपोरा है। हम यहाँ पे रिसेप्शन में आपको सब सजेस्ट कर देंगे कि आपको कहाँ खाने जाना चाहिए, कहाँ आपको ये घूमने जाना चाहिए, हम पूरा गाइड करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से क्लब है जो काफ़ी यहाँ पे बॉलीवुड के लिए फेमस? एक हैमर्स है और एक बागा में लासोलास है, ये दो बहुत फेमस है बॉलीवुड के लिए। और सबसे पास नियरेस्ट कौन सा क्लब है? और तलासा सबसे बेस्ट है, यू कैन गो टू तलासा। सो आप एक बार हमारे प्रॉपर्टी में आके स्टे करिए और एक्सपीरियंस करिए और लोगों को भी बताइए कि यहाँ कैसा होता है। प्लीज डू गाइस कम। प्राइस में काफ़ी लग्जरी हॉस्टल मैंने देखा जो गोवा के अंजुना बीच के बिल्कुल पास में है। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी गोवा की इंटरेस्टिंग वीडियो में।